वायरस के खिलाफ लड़ाई में देश एकजुट है, लेकिन कुछ लोग मामले की गंभीरता को नहीं समझ रहे। पीएम मोदी ने 5 अप्रैल को रात 9:09 के लिए दीपक या मोमबत्ती जलाने की अपील की थी, ताकि इस लड़ाई में देश की एकजुटता नजर आ सके। इस दौरान बीजेपी के इस नेता की शर्मनाक करतूत सामने आई है। जी हाँ, यूपी के बलरामपुर में बीजेपी की महिला नेता मंजू तिवारी ने एक ऐसी हरकत कर दी जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान रह गया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपना ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर दिया। दरअसल मंजू तिवारी ने रविवार रात 9 बजे के लगभग अपने पति की लाइसेंसी बंदूक से हवाई फायर किया। जानकारी के मुताबिक दीप जलाने के बाद महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष मंजू तिवारी ने कोरोना वायरस को भगाने के लिए रिवॉल्वर से हवाई फायर किया। इसके बाद ये वीडियो इतना वायरल हुआ कि अब गलती पकड़ में आ गई तो अब माफी मांग रही है। नहीं मानती हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। अब मंजू तिवारी का कहना है कि पीएम की अपील के मद्देनजर दिवाली जैसा माहौल था और वो भावनाओं में बह गई थी। अब मैं माफी मांगती हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ और जिंदगी में कभी तमंचे को हाथ नहीं लगाऊंगी। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद बलरामपुर की पुलिस ने मंजू तिवारी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कल दिनांक 5 अप्रैल की एक घटना दिखाई जा रही है जिसमें श्रीमती मंजू तिवारी द्वारा फायरिंग की जा रही है। इस संदर्भ में थाना कोतवाली नगर पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। वहीं इस मामले पर कांग्रेस ने मंजू तिवारी का वीडियो ट्वीट कर सीएम योगी आदित्यनाथ से पूछा है कि क्या आप इस पर कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस ने ट्वीट किया, कानून तोड़ने में सबसे ज्यादा आगे भाजपा नेता ही रहते हैं। कल पीएम की अपील थी दिया जलाने की, लेकिन देखिए कैसे भाजपा नेता और बलरामपुर भाजपा महिला मोर्चा के अध्यक्ष ने खुलेआम प्रदर्शन के लिए फायरिंग की और ये वीडियो फेसबुक पर डाल दिया। क्या योगी आदित्यनाथ इस पर कार्रवाई करेंगे? ऐसे में देखा जाए तो सीएम योगी ने अपनी कार्रवाई कर दी है और इस महिला नेता ने माफी भी मांगी है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट के जरूर बताइए। साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस यूपी को सब्सक्राइब कीजिए।